आज के इस वीडियो में मैं आपको एक विनिमय का ऐसा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ जिसमें कि आप सारे जो पहले लॉस किए आप उसको कवर कर सकते हैं। यानी मैं आपको एक ऐसा स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जिससे कि आप यहाँ पे 20 में से 20 ट्रेड को आप विनिमय में 100% आप विन कर सकते हैं। बस अगर आप जो स्ट्रेटेजी को आप अच्छे से समझ लेते हैं, वीडियो को एंड तक देख लेते हैं, तो आपका जो प्रॉफिट यहाँ पे ज़्यादा होगा और लॉस जो है आप जो भी पहले लॉस किए उसको आप कवर कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड देखना है और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं विनिमय का यहाँ पे ट्रेडिंग चार्ट ओपन है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको प्रॉफिट दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पे मेरा देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा कितना प्रॉफिट हुआ जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। लगातार ये मेरा जो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप नीचे भी जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल यहाँ पे आपको सिर्फ प्रॉफिट ही दिख रहा है, यानी कितना आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। तो आप जो है अगर आप स्ट्रेटेजी को सही से समझ लेते हैं, सही से आप यहाँ पे देख लेते हैं, तो आप यह वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आपका जो भी है इस तरह से प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ, ठीक है। यानी आपने प्रॉफिट देख लिया कैसे यहाँ पे मैंने प्रॉफिट किया, लगातार यहाँ पे देख सकते हैं मेरा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ये कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को आप सीख लेते हैं तो आपका भी इस तरह से प्रॉफिट होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं विनिमय का यहाँ पे ट्रेडिंग चार्ट ओपन है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल फोन में जो विनिमय का ट्रेडिंग चार्ट ओपन कर लेंगे, जो कि यहाँ पे मैं आपको लैपटॉप में बता रहा हूँ क्योंकि लैपटॉप का स्क्रीन बड़ा होता है, मुझे एक्सप्लेन करने में और आपको समझाने में मुझे आसानी होती है, ठीक है। मोबाइल में भी इसी तरह से विनिमय का ट्रेडिंग चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मोबाइल से करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको सबसे पहले अपने फोन में जो है विनिमय एप्लीकेशन को जो लेटेस्ट वर्जन उसको डाउनलोड करके अपडेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार का यहाँ पे ट्रेडिंग चार्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कुछ स्ट्रेटेजी आपको लगाना है। तो वो स्ट्रेटेजी क्या है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहले सबसे पहले इस सारे स्ट्रेटेजी को यहाँ पे मैं कट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ पे देख सकते हैं। अभी यहाँ पे मेरा स्ट्रेटेजी लगा हुआ है, यहाँ पे अभी देख सकते हैं लगा हुआ है यहाँ पे पाराबोलिक SAR लगा है, ठीक है। अगर आपको इस स्ट्रेटेजी के बारे में सीखना है तो इसके ऊपर मेरा ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, ठीक है। आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक की मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आज की इस वीडियो में दो ऐसे स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, यानी इंडिकेटर बताऊंगा जिससे कि अगर आप अच्छे से समझ लेते हो आप यहाँ पे डेली प्रॉफिट कर सकते हैं और आपका जो भी लॉस होगा वो आपका लॉस कम होने लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे मैं इस इंडिकेटर को हटा देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे जो एक सिंबल बना हुआ जो कि माउंटेन के जैसा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले मैं पैराबोलिक SAR को मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं दूसरा स्ट्रेटजी यूज करने वाला हूँ। अगर आपको इससे भी पैसा कमाना है पैराबोलिक SAR से भी, तो इसके ऊपर मेरा ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, ठीक है, लिंक इसका आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं दो ऐसा स्ट्रेटजी लेने वाला हूँ, इंडिकेटर लेने वाला हूँ, जिससे कि आप यहाँ पे डेली प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक एलिगेटर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ठीक है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं एलिगेटर है, यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं नीचे आने के बाद इसमें आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है और कलर को आप चाहे तो यहाँ पे रख सकते हैं कुछ यहाँ पे कलर को, ठीक है। बट यहाँ पे मैं कलर को भी जो भी पहले से है उसको रहने देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते ये इंडिकेटर लग चुका है जो कि ग्राफ के ऊपर लगता है। उसके बाद यहाँ पे मैं दूसरा स्ट्रेटेजी यानी जो है दूसरा एक ऑसिलेटर लगा लेता हूँ MACD, ठीक है, जो कि ये ग्राफ के नीचे रहता है। इसमें भी यहाँ पे मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किया, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कलर वगैरह का कुछ भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पे मैं सिर्फ जो नॉर्मली जिस तरह से डिफॉल्ट है उसी तरह से रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं अप्लाई के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। आप चाहे तो हिस्टोग्राम को भी यहाँ पे आप कलर को चेंज कर सकते, बट यहाँ पे मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। उसके बाद अप्लाई करता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दो स्ट्रेटेजी मेरा लग चुका है, जो कि यहाँ पे एक एलिगेटर लगा हुआ है और यहाँ पे दूसरा एक ऑसिलेटर मैंने लगाया है जो कि MACD ऑसिलेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का काम कैसे होता है जो कि मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपको समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कर सके। तो यहाँ पे पहले मैं सबसे पहले ग्राफ के पीछे आ जाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आपको तीन लाइन दिख रहा है, जो कि पहला लाइन है यहाँ पे देख सकते हैं ये है आसमानी कलर में, ठीक है, दूसरा यहाँ पे रेड, तीसरा है ग्रीन। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान जो देना है आपको रेड और ग्रीन वाले कैंडल यानी लाइन पे ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल का मतलब है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा, रेड कैंडल का मतलब होता है मार्केट का ट्रेंड नीचे आने वाला, ये आपको पता है, ठीक है, यानी बुलिश कैंडल ग्रीन होता है और बेरिश कैंडल रेड होता है। तो यहाँ पे आपको दो लाइन आपको ध्यान देना है, पहला यहाँ पे रेड और दूसरा यहाँ पे ग्रीन, ये वाला ऐसे इसको रहने देना है, ठीक है, इसमें आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जब
ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की ओर जाएगा, तो वहां से मार्केट का ट्रेंड ऊपर की ओर जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की ओर गया है, तो यहाँ से देखिए मार्केट का ट्रेंड अप की ओर गया है। बट यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसे ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे की ओर आता है, तो यहाँ से मार्केट का ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड में आ जाता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे आया, तो यहाँ से मार्केट का ट्रेंड नीचे आया ना, देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा, जैसे ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की ओर गया है, तो यहाँ से ट्रेंड ऊपर गया है, ठीक है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। बट यहाँ पे जैसे ही ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे आता है, तो यहाँ से मार्केट का ट्रेंड नीचे आ गया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, जैसे ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ से मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड की ओर है, ठीक है। तो ये इंडिकेटर का यहाँ पे कुछ यहाँ पे सिंबल है, जो कि यहाँ पे आपको मार्केट में अप या डाउन जाने से पहले, आपको कुछ सेकंड पहले आपको इंडिकेट कर देता है कि मार्केट अभी अप जाएगा या डाउन जाएगा। और यहाँ पे नीचे ये इसका काम क्या है, यानी ऑसिलेटर का काम क्या है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं पीछे आ जाता हूँ, ऑसिलेटर में आपको यहाँ पे तीन चीज आपको ध्यान देना है, यानी तीनों जो यहाँ पे बन रहा है, इसमें तीनों चीज आपको ध्यान देने की योग्य है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे दो लाइन दिख रहा है, येलो लाइन और रेड लाइन, और तीसरा यहाँ पे हिस्टोग्राम का यहाँ पे बाहर दिख रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पे देख सकते हैं रेड और ग्रीन सा यहाँ पे कुछ यहाँ पे कैंडल वगैरह यहाँ पे आपको बार्स के जैसा दिख रहा है, ठीक है, बनता हुआ। तो आपको इन्हीं तीन चीजों को ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि रेड लाइन जैसे येलो लाइन को क्रॉस करके, यानी येलो लाइन जो है रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे आता है, तो मार्केट का ट्रेंड नीचे आएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। बट यहाँ पे नीचे आपको हिस्टोग्राम भी अगर नीचे की ओर बनता हुआ देखेगा, तो यहाँ से समझ जाइए कि आपको यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड नीचे आने वाला। बट अगर यहाँ पे देखिए, जैसे ही रेड लाइन को क्रॉस करके येलो वाला लाइन जो है यहाँ पे दिख रहा है, ये येलो वाला लाइन, जैसे ही रेड लाइन को क्रॉस करके येलो वाला लाइन ऊपर की ओर जाता है और हिस्टोग्राम का बार भी ऊपर की ओर बनना चालू हो जाता है, तो यहाँ से मार्केट का ट्रेंड जो है ऊपर जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो ऊपर गया है। तो यहाँ पे आपको क्या समझने के लिए मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको दो दो इंडिकेट यहाँ पे आपको कर रहा है कि यहाँ पे देखिए, जैसे इंडिकेटर में आपको यहाँ पे बता रहा है, जो ग्राफ पे चलता है वो इंडिकेटर है, और जो नीचे चलता है इसको ऑसिलेटर बोलते हैं। तो इंडिकेटर में यहाँ पे बता रहा है कि जैसे रेड लाइन को क्रॉस करके ग्रीन लाइन ऊपर की ओर गया है, तो मार्केट का ट्रेंड अप की ओर है। बट यहाँ पे देखिए ऑसिलेटर में, जैसे ही येलो लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की ओर गया है, तो यहाँ से मार्केट का ट्रेंड जो अप है और हिस्टोग्राम का बार भी ऊपर ओर बन रहा है, तो आपके लिए एक बेस्ट यानी जो है संकेत है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। बट यहाँ पे अगर हिस्टोग्राम का बार नीचे बन रहा है, तो यहाँ से मार्केट का ट्रेंड नीचे आने वाला है, और यहाँ पे लाइन भी क्रॉस हो चुका है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं येलो लाइन जो है रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे आ गया है, ठीक है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो हिस्टोग्राम का बार भी नीचे बन रहा है। बट यहाँ पे मैं आपको लाइव चार्ट में आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे कैसे आपको पता करना है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कुछ देर पहले यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड ऊपर था और यहाँ पे येलो लाइन जो है ऊपर की ओर गया था, ठीक है। अगर आपको येलो लाइन आपको यहाँ पे सही से नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको जो इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है, यानी इसको कलर को टेस्ट कर लेता हूँ थोड़ा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। यहाँ से मैं पहले एमएससीडी के ऊपर मैं क्लिक करके यहाँ पे मैं जो इसको एमएससीडी कलर का जो है इसको तेज कर लेता हूँ, जो कि यहाँ पे देख सकते हो तेज हो चुका है हल्का, ठीक है, या फिर नॉर्मली जैसा भी है यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे देखिए रेड लाइन को क्रॉस करके येलो लाइन ऊपर की ओर गया है, तो यहाँ से हिस्टोग्राम का बार अगर ऊपर बन रहा है, तो यहाँ से देखिए मार्केट का ट्रेंड अप की ओर था, ठीक है। बट अगर तब आपको ट्रेड नहीं लेना है जबकि मार्केट का ट्रेंड अप डाउन यानी छोटा सा गैप में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे आपको मैं एक बात दिखाता हूँ, जो कि आपको कहाँ पे मार्केट में ट्रेंड नहीं लेना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे थोड़ा देर के लिए ऊपर है, बट यहाँ पे नीचे आ गया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो इस जगह पे आपको ट्रेंड नहीं लेना है, आपको फुली कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि मार्केट आपको ऊपर जाने वाला है। जैसे कि यहाँ पे आपको लाइव में आपको दिखाता हूँ ट्रेडिंग चार्ट में, जैसे कि यहाँ पे देखिए कि जैसे ही मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे थोड़ा देर के लिए ऊपर नीचे हो रहा था, ठीक है, अगर यहाँ पे हम ट्रेडिंग ले लेते तो यहाँ पे मेरा लॉस हो जाता। बट यहाँ पे देखिए कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर जा रहा है और यहाँ पे देखिए रेड लाइन को क्रॉस करके ग्रीन लाइन ऊपर की ओर है और यहाँ पे हिस्टोग्राम का बार भी ऊपर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपके ओर ट्रेड लूंगा, क्योंकि मुझे इस कैंडल को वॉच कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये कैंडल जो भी लो बनाता है, मैं लो वाले पे इसको ट्रेडिंग लेता हूँ, ठीक है। अभी देखते हैं कि ये लो कहाँ पे बना रहा है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वॉच कर लेता हूँ कैंडल को, ठीक है, क्योंकि अभी मैं लो पे बनाऊ लो पे एंट्री लूंगा तो मुझे यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे इसने लो बनाया और यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग ले लिया, ठीक है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सारा ट्रेड जो है यहाँ पे प्रॉफिट में चला, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं सारा ट्रेड अभी यहाँ पे फिलहाल में प्रॉफिट में है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको जो ट्रेड में भी जा करके दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सारा ट्रेड जो है प्रॉफिट में चल रहा है। और ये जो है मैं अपने मर्जी से नहीं लिया हूँ, ठीक है, यानी मेरा मन कहा कि ऊपर की ओर ट्रेड ले लूंगा तो उस तरह से मैं नहीं लिया हूँ, क्योंकि ये मेरा स्ट्रेटेजी बता रहा है, यानी इंडिकेटर बता रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा। यानी यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की ओर गया है, और हिस्टोग्राम का बार भी ऊपर बन रहा है। और बट यहाँ पे देखिए ये वाला लाइन भी, यानी येलो लाइन ग्रीन लाइन को क्रॉस करके ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे और कितना समय बचा है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 17 सेकेंड बचा है, जो कि यहाँ पे मुझे डेफिनेटली विश्वास है कि ये मेरा ट्रेड जो है सारा ट्रेड जो भी लिया हूँ मैंने प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। 8 सेकेंड बचा है, 7 सेकेंड, 5 सेकेंड, 3 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, और आप यहाँ पे देखिए लाइव ट्रेडिंग में यहाँ पे मेरा सारा कुछ ट्रेड प्रॉफिट हो चुका है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इतना रुपया मेरा प्रॉफिट हो चुका है, जो कि यहाँ पे मैं आपको ट्रेड में जाकर के भी दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सारा ट्रेड मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, ठीक है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको इस तरह से ट्रेडिंग लेना है। अगर आपको ऊपर की ओर ट्रेड लेना है तो आपको इस कैंडल पे, अगर ऊपर की ओर ट्रेड लेना है तो आपको इस कैंडल को वॉच कर लेना है कि इसने लो यहाँ पे बनाया था, ठीक है। तो ऊपर की ओर ट्रेड लेना है, अगर ये कैंडल फिर से यहाँ पे आ जाता है तब यहाँ से आप ट्रेड ले लीजिए, ठीक है। बट अगर आपको नीचे की ओर ट्रेड लेना है तो ये कैंडल जो बना रहा है, बन रहा है, तो इसके हाई पे लेना है, ठीक है। यानी हाई जो भी इसने बनाएगा यहाँ पे, आपको अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपको यहाँ पे जो है 90% से प्लस आपको यहाँ पे एक्यूरेसी मिल जाएगा कि यहाँ पे आपको जो है प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो आपको बीच में ट्रेड कब नहीं लेना चाहिए, जबकि मार्केट ऊपर नीचे थोड़ा देर में आपको यहाँ पे थोड़े से जगह में आपको, यानी मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, इस जगह पे आप ट्रेड ले लेते हैं तो आपको यहाँ पे लॉस हो जाएगा, क्योंकि हिस्टोग्राम का बार अगर नीचे कम बन रहा है, यानी ऊपर नीचे जो बन रहा है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टाग्राम का बार तो नीचे बन रहा है, बट यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, कभी रेड कभी ग्रीन, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए छोटा छोटा सा बन रहा है। तो आपको ट्रेडिंग में आपको यहाँ पे जो ट्रेड लेना है तो आपको आपको स्ट्रांग आपको संकेत मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से मुझे यहाँ पे स्ट्रांग संकेत मिला है। यहाँ पे भी देखिए इतना गैप अप ओपनिंग हुआ है, यानी देख सकते हैं रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल के बीच में कितना गैप दिख रहा है। और यहाँ पे इंस्टाग्राम का बार भी देखिए आप कितना बड़ा ऊपर में बन रहा है, यानी ग्रीन ग्रीन सा बन रहा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है, अगर इतना आपको गैप मिल रहा है, अगर यहाँ से मैं फिर से आपकी ओर ट्रेड ले लेता हूँ तो यहाँ पे मेरा फिर से प्रॉफिट हो जाएगा। बट यहाँ पे मैं आपकी ओर ट्रेड ले लूंगा तो मैं इस कैंडल को वॉच कर लेता हूँ, इस कैंडल ने यहाँ पे लो बनाया था, अगर ये फिर से दोबारा यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ से मैं ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं फिर से दोबारा आता है कि नहीं आता है, तो यहाँ से मैंने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से फिर दोबारा नहीं आया तो यहाँ पे मैंने ले लिया, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सारे ट्रेड अभी फिलहाल में जो है प्रॉफिट में चल रहा है, ठीक है। जो कि यहाँ पे देख सकते हैं जो भी ट्रेड मेरा प्रॉफिट में चलता है, यहाँ पे आपको हाईलाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं अभी फिलहाल ट्रेड यहाँ पे मार्केट का प्राइस नीचे आ गया है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, क्योंकि मार्केट का प्राइस अगर ऊपर जाता तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं फिर से यहाँ पे ट्रेड मेरा प्रॉफिट में चल रहा है। जो कि यहाँ पे टाइम कितना बचा हुआ है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पे 28 सेकेंड, 20 सेकेंड का टाइम बचा है, और यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे बता रहा है दोनों, क्योंकि जो मार्केट का प्राइस जो है ऊपर नीचे थोड़ा देर के लिए हो रहा है, ठीक है। और मेरा टाइम पीरियड जो है कितना सेकेंड का है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, और कितना सेकेंड बचा हुआ है, 13 सेकेंड बचा हुआ है, 12 सेकेंड, 11 सेकेंड, 10 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, 7 सेकेंड, 5 सेकेंड, देखते हैं क्या होता है, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, और ये मेरा देखिए प्रॉफिट हो गया। मैंने आपको जो है यहाँ पे देख सकते हैं कितना मेरा प्रॉफिट हुआ, लाइव मैंने आपको यहाँ पे प्रॉफिट करके दिखाया कि आपको ट्रेडिंग कैसे करना है। अगर आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं, इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको इंडिकेटर वगैरह समझने के लिए आ जाता, आप ऑसिलेटर को समझ लेते हैं, तो आप डेफिनेटली आप प्रॉफिट कर सकते हैं, और पहले का जो लॉस है उसको आप कवर भी कर सकते हैं। तो आपको यही आपको ध्यान देना है कि जब आपको मार्केट थोड़ा देर में यानी ऊपर नीचे कर रहा है तब आपको ट्रेड नहीं लेना है। अभी यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी ये ग्रीन लाइन जो है ऊपर की ओर भाग रहा है, ठीक है। और हिस्टोग्राम का बार भी ऊपर की ओर बन रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं येलो लाइन ऊपर की ओर जा रहा है। बट अगर हल्का सा भी ये झुका नजर आ जाए ग्रीन लाइन में
तब आपको समझ लेना कि मार्केट वहां से नीचे आने वाला है, ठीक है। लेकिन जब भी मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे मैंने आपको सारा कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया कि आपको नीचे की ओर ट्रेड कब लेना है, जब ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे आ जाता है और गैप मेंटेन करता है, ठीक है, तब आपको नीचे की ओर ट्रेड लेना है। और जब ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की ओर जाता है और गैप मेंटेन कर रहा है, तो आपको यहाँ पे जो है ऊपर की ओर ट्रेड लेना है, ठीक है। और हिस्टोग्राम का बार भी अगर ऊपर में ज्यादा बन रहा है तो आपको ऊपर की ओर ट्रेड लेना है। और यहाँ भी देखिए, जैसे ही येलो लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की ओर जाता है तो मार्केट का ट्रेंड ऊपर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूँ, जब आपको यहाँ पे ट्रेडिंग लेना है, या चाहे तो आपके ऊपर ट्रेड लेना है या तो डाउन के ऊपर ट्रेड लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी कैंडल बन रहा है, यानी ये जो भी कैंडल बन रहा है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखिए, ये जो भी कैंडल बन रहा है, यानी ग्रीन कैंडल बन रहा है, ठीक है। अगर मुझे ऊपर की ओर ट्रेड लेना होगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके लो पे ट्रेड लेना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इस कैंडल का लो अभी यहाँ पे लो ही मेंटेन कर रहा है, तो ये अभी देखिए हाई बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमको अप की ओर ट्रेड लेना है, तो यहाँ पे मैं लो के ऊपर ट्रेड लूंगा। जितना है आप, ये कैंडल लो जा रहा है, वहां से आप ट्रेड लीजिए लो पे, ताकि अगर मार्केट वहां से ऊपर जाएगा तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। बट अगर आपको यहाँ पे जो है नीचे की ओर डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेड लेना है, तो आप कोशिश कीजिए कि हाई के ऊपर ट्रेड ले, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो मार्केट नीचे आएगा, बट अगर आप यहाँ पे ले लेते हैं तो हल्का सा मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ पे आपको लॉस हो जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए, ग्रीन लाइन में हल्का सा झुकाव आ गया है, क्योंकि रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे आने वाला है और हिस्टोग्राम का बार भी यहाँ पे बनना कम हो गया है। और यहाँ पे देखिए, ये भी येलो लाइन जो है रेड लाइन को यानी पास आ गया है, उसके बाद नीचे आएगा, जो कि यहाँ पे काट चुका है, ठीक है। अगर यहाँ से मैं डाउन की ओर ट्रेड लेता हूँ और यहाँ पे मैं डाउन की ओर ट्रेड लूंगा, तो इसके ऊपर मैं हाई जो भी बनाता है इस कैंडल पे, यहाँ पे मैं हाई के ऊपर मैं ट्रेड ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 17 सेकंड बचा हुआ है, ठीक है, यानी इस कैंडल को बनने में, तैयार होने में। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये हाई कहाँ तक बनाता है आखिर। तो यहाँ पे मैं अगर डाउन की ओर ट्रेड लूंगा तो यहाँ पे मुझे हाई के ऊपर देखना पड़ेगा, अगर मुझे अप की ओर ट्रेड लेना है तो यहाँ पे मुझे लो के ऊपर देखना पड़ता है। तो आप इस तरह से ट्रेडिंग ले सकते हैं मिनिमम में। तो आई होप आपको सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि मार्केट में कैसे आपको ट्रेडिंग लेना है, कैसे आप यहाँ पे लॉस से बच सकते हैं और कैसे आप जो प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको कुछ डाउट है नीचे पूछ सकते हैं। और अगर आगे भी आपको ट्रेडिंग के बारे में सीखना है, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है, तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा प्रेस जरूर कर लेना है। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।